परसों पर पुतिन के प्रेस प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान आया, रूसी सेना का पीछे हटना अपमानजनक नहीं है, रूसी सेना के लौटने पर हमें कोई पछतावा नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खेरसों पर तो बकायदा कब्जा कर लिया गया था और इसके लिए पूरा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था मॉस्को में क्रेमलिन में जब ऐलान किया गया था, तो क्यों शर्मनाक नहीं, क्यों पछतावा नहीं है, समझाइए निधि आप। बिल्कुल करुणा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। खेरसोन उन इलाकों में से है जिस पर रूस 90% से ज्यादा दावा कर रहा था लुहांस्क और डोनेस्क की तरह, और उसके बाद भी यहां पर वो पिछड़ता हुआ नजर आया। रूस की सेना लगातार मात खा रही है, लगातार यूक्रेनी सेना वहां पर गोलाबारी और बमबारी कर रही है, और कल की जो तस्वीरें सामने आई वो और ज्यादा विनाशक आई। तो जो दुगिन ने कहा है, जो खेरसोन में इस वक्त पिट रहा है रूस, उसको लेकर कितनी आशंकाएं बढ़ गई हैं, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से फेलियर्स सामने आए हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कीव में किस तरह का फेलियर सामने, फेलियर नंबर 1, 30 मार्च मैदान छोड़ दिया गया रूस के जरिए, तो ये पहला फेलियर था। उसके बाद अगर फेलियर नंबर 2 के बारे में बात करें तो वो था खारकीव, ये भी अगला टारगेट था रूस का, लेकिन यहां पर भी विफलता देखने को मिली। 9 सितंबर रूसी सेना वहां से वापस लौट गई। फेलियर नंबर 3 लाइमैन, 1 अक्टूबर रूसी सेना की वापसी यहां पर हुई और ये भी सरेंडर कर दिया गया। कई सैनिक तो यहां पर सरेंडर करते हुए दिखे कि हमें अपनी जान बचानी है, ये फेलियर नंबर 3 रूस का। फेलियर नंबर 4 आपको बताते हैं, जिसमें रूस का खेरसोन, जो कि यूक्रेन का खेरसोन इलाका था, वहां से भी रूसी सेना लगातार वापसी करती हुई दिखाई दी। 7 महीने बाद कब्जा छोड़ लिया गया, 9 नवंबर की बात है खेरसोन, और जो अब अगला टारगेट है वो खेरसोन है, और खेरसोन में पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो रूस है वो हारता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से जो डुगिन का बयान सामने आया, अलेक्जेंडर डुगिन का, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं पांडे सर आपके पास आ रही हूँ इस मामले को लेकर, आपको क्या लग रहा है, ये जो पलड़ा कमज़ोर हो रहा है रूस का, ये आने वाले वक्त में इस युद्ध में और ज़्यादा निर्णायक साबित होगा कि वो हार रहा है यूक्रेन से? क्योंकि उनके अगर करीबी ऐसा कह रहे हैं, फिर अलग अलग फेलियर्स भी हम बता रहे हैं रूस के, तो आप इस वक्त क्या सिचुएशन देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूसी सेनाओं ने खारसेन में आत्मसमर्पण नहीं किया है, उन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। तो ये जो मैसेज डेफिनेटली, ये एक, हम लोग भी सब परेशान थे जो मिलिट्री स्ट्रेटजी को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि एक बड़ी मुश्किल से जिस आपने एरिया को कवर किया, कब्जा किया, उसको आप आसानी से सहजता से छोड़ रहे हैं, वो बड़ा ही असहज लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें कि खारसोन की महत्ता बहुत है स्ट्रेटजिक रूप से, क्रीमिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पे सर हेल्पलेस है, 4 रीजन में से एक रीजन छोड़ना ये सबके लिए चिंता का विषय था। लेकिन देखिए, बार बार ये आ रहा है, मेरा कहने का मतलब ये, वहां हेल्पलेसनेस बहुत है, तभी विड्रॉ किया जा रहा है कि हम अक्षम है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो अंतिम रूप यही है कि हम वापस चले जाए वहां से। नहीं, ये कहना, देखिए, ये तब कहा जाता कि कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये दुगिन का जो अभी ये प्रकरण सामने आया है बता रहा है कि संवाद की कुछ कमी रही है। सर, सवाल ये भी नहीं है, आप लोग ठीक है ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी है पुतिन की, जिसके हिसाब से उन्होंने अपने सैनिकों को खेरसोन से हटा दिया है, ये तो बात समझ में आती है जो आप लोग कह रहे हो, क्योंकि आप लोग समझते हैं युद्ध की रणनीतियों को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन के सबसे भरोसेमंद को उनके इस फैसले पर यकीन है क्यों नहीं? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।